all support, the entire federation supports the Me Too movement to protect the dignity and honor of women working in the industry. So we have taken a lot of steps now. We have had urgent meetings yesterday in IFTDA, the Directors Association. We have already drafted a notice which has been issued to Alok Nath, because Nithananda is also a very respectable member of IFTDA. So entire things, whatever is happening, is being very seriously taken by the Federation. अब बात यह है कि इस चीज़ को आगे हम कैसे बढ़ाएं, हम किस तरीके से ये सोचें कि काम करें कि हमारे इंडस्ट्री में जो महिलाएं काम करती हैं, जो लड़कियां काम करती हैं, जो स्मॉल टाउन से आती हैं, बाहर देशों देश के विभिन्न कोनों से आती हैं, उनकी सिक्योरिटी किस तरह हो। तो जब हमारी सुबह फेडरेशन की मीटिंग हुई जिसमें सारे मेम्बर्स डिफरेंट फैकल्टी के थे, तो दो तीन इंपॉर्टेंट डिसीजन हम लोगों ने लिए। एक ये कि इमीडिएटली एक वुमेन रिड्रेसल कमिटी फेडरेशन में बैठेगी, जो हर एसोसिएशन के जो वुमेन मेंबर्स हैं वो उसके हिस्सा होंगे, वो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उस वुमेन रिड्रेसल कमिटी में। उसमें हम जितने भी जो ऑफिस बेयरर्स हैं वो भी होंगे, और केस टू केस वी विल एड्रेस दैट इशू ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन हु हैज कम विद अ कंप्लेंट। अल्टीमेटली जहाँ तक पनिशमेंट का सवाल है, पनिशमेंट हमारा फेडरेशन हमारी एसोसिएशन सिर्फ एक कर सकती है कि हम उसको बॉयकॉट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस एक बंदे ने अगर ऐसी हरकत की है, जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आएगा, जब तक लीगल जो फॉर्मेलिटीज नहीं होती है, हम ये कर सकते हैं फेडरेशन, तिवारी जी और अशोक जी जंगेश्वर भी कहेंगे आपसे, कि जितने भी ये हमारे यूनियंस हैं वो उसके साथ काम नहीं करेंगे। एंटायर इंडस्ट्री doesn't want this to happen. और हम ये बात और भी कहना चाहेंगे जो हम बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं, कि कृपया करके प्लीज़ हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को डेमोनाइज मत करिए। ये इंडस्ट्री में लाखों लड़कियां महिलाएं आज भी काम करती है, डिग्निटी के साथ करती है, इज्जत के साथ करती है। ये गलत चीज़ें हुई हैं, हम उसको फाइट करेंगे। हमने एक अवेयरनेस सेल बनाया है, लीगल सेल है हमारा, और उसके अंतर्गत जो है हमने चार हमारे तो लोग है ही हैं, जैसा कि अशोक जी ने बताया, चार लड़कियां भी रखी जाएंगी औरतें जो उससे कनेक्टेड हैं एसोसिएशन से, वो सारे मिल करके हम सेट पर जाएंगे, हर सेट पर जा करके अपने मेंबरों से मिलेंगे, उनके अंदर एक अवेयरनेस लाएंगे, उनको कॉन्फिडेंस लाएंगे कि वो अपनी बात अपनी कंप्लेन यदि उनको किसी भी तरह का हरेसमेंट हुआ है या हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो वो हमसे खुलकर बात कर सके, क्योंकि उनको लगता है कि हम किसको अप्रोच करें। तो अप्रोच करने के लिए हम खुद जाएंगे हम लोग सेट पर, और जाकर के उनसे बताएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमारी उपयोगिता जो फेडरेशन की है उसको आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को आप हमारे ये नंबर हैं आप फ़ोन करके डायरेक्ट भी बता सकते हैं, जो आदमी भी इसके खिलाफ जा रहा है, जो भी आपको तकलीफ दे रहा है उसका बायकॉट करना, उसको उसके साथ कोई भी काम नहीं करेगा। हमारे 5 लाख वर्कर हमारे साथ हैं, हमारे साथ इतनी एसोसिएशन 24 एसोसिएशन है, तो जिसका फेडरेशन बायकॉट करती है, नॉन कोऑपरेशन जिस पर इशू करती है, उसके साथ कोई भी काम नहीं करता। इसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, जानबूझ करके किसी दुश्मनी की वजह से, किसी नाराज़गी की वजह से, किसी काम न मिलने की वजह से, क्योंकि 80% जो है चीज़ें ऐसी आती हैं जिसमें कि हमको काम नहीं दिया गया, हमको बुलाया गया, हमसे ये नहीं हुआ, तो आपने ब्लेम लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको बदले की भावना में अप्रोच न किया जाए, जेन्युइन है फेडरेशन आपके साथ है। विकास बहल इस इफ्रा Nana already Sinta has sent the notice. It's again a part of the entire group. And individual association, jiska wo member hai, which is part of the federation, will individually send. Ultimately, it'll come to the federation. So we can't cross each other's line. IFTDA cannot send a notice to somebody who is not part of my association. But totality mein, the federation is coordinating बॉलीवुड के अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।